सलूम्बर में मनाया विश्व कैंसर दिवस। नगर में निकाली गई जागरूकता रैली, एएनएम ट्रेनिंग सेंटर द्वारा किया गया आयोजन। सलूम्बर में आज राजकीय चिकित्सालय में एएनएम ट्रेनिंग सेंटर द्वारा विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महोदय उपस्थित हुए। ट्रेनिंग सेंटर प्रिंसिपल राजकुमार जी व पीएमओ डॉक्टर राजेश दोषी सर एवं एनसीडी स्टाफ मौजूद रहे। कैंप में ब्रेस्ट स्तन कैंसर की जांच व स्क्रीनिंग की गई एवं दांतों के डॉक्टर द्वारा मुंह के कैंसर की जांच की गई, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की स्क्रीनिंग की गई और एनसीडी के समस्त स्टाफ द्वारा निःशुल्क बीपी व शुगर की जांच की गई। इस कैंप में लेबर रूम स्टाफ, डेंटल स्टाफ व एनसीडी स्टाफ द्वारा अपनी सेवाएं दी गई। कैंप में डॉ प्रिया द्वारा महिलाओं को बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के लक्षण के बारे में समझाया। इस दौरान सीएमएचओ डॉ जेपी बुनकर, प्रिंसिपल राजकुमार, पीएमओ डॉक्टर राजेश दोषी, डॉक्टर नरेंद्र, डॉक्टर पुष्कर, डॉक्टर प्रिया, डॉक्टर प्रियंका, डेंटल नर्सिंग स्टाफ संगीता गमेती, एनसीडी स्टाफ सुलोचना, लैब हेल्पर हिम्मत गाछा, कंप्यूटर ऑपरेटर, लेबर रूम स्टाफ, ट्रेनिंग सेंटर स्टाफ मौजूद थे। आज हम यहाँ पे वर्ल्ड कैंसर डे मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और इसकी थीम है क्लोज द केयर गैप। इसमें हम हमारा प्रयास ये है कि आम पब्लिक और नॉर्मल जो लोग हैं, नॉर्मल भी जो लोग हैं, हेल्दी लोग हैं, उनकी अवेयरनेस बढ़ाना कैंसर के लिए। इस प्रोग्राम का मकसद है प्री कैंसर स्टेप को शुरू में ही रोकथाम के द्वारा कैंसर में कन्वर्ट करने से रोक पाएँ। इसके लिए एक प्रयास है प्रोत्साहन के लिए, लोगों को एनकरेज करने के लिए इस तरह की एक्टिविटी हम कर रहे हैं। इसका मकसद अपना यही है कि अवेयरनेस बढ़ाएं, रोकथाम करें, इसलिए टाइमली उसका अपन डायग्नोसिस कर दें ताकि वो डिजीज़ आगे नहीं बढ़ पाए। जैसे अपने इंडिया में मोस्ट कॉमन कैंसर जो पनप रहे हैं अभी हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो संख्या है कैंसर की अपने इंडिया में वो है स्तन कैंसर की, उसके बाद आता है सर्वाइकल कैंसर, उसके बाद मुँह का कैंसर, इसके अलावा और भी हैं, ये तो लंग कैंसर है। और इस तरह से इन कैंसर को रोकथाम के लिए अपन क्या कर सकते हैं, ये अपने लिए सोचने वाली बात है। तो इसमें क्या होता है, दो तरह के देखो फैक्टर होते हैं, रिस्क फैक्टर होते हैं। एक तो मॉडिफिएबल फैक्टर होते हैं, एक नॉन मॉडिफिएबल फैक्टर होते हैं। ऐसे फैक्टर जो कि चेंज किए जा सकते हैं, और एक कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जिनको चेंज नहीं कर सकते, जिनको अपन चेंज नहीं कर सकते तो उनको तो नहीं रोक सकते। जिनको चेंज कर सकते हैं उनके लिए अपन कुछ कर सकते हैं। चेंज करने में जैसे होता है, एक टोबैको होता है, टोबैको अपन रोक, टोबैको का सेवन नहीं करेंगे तो इस तरह के कैंसर नहीं होंगे। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शन एजेंट भी जो कैंसर करने में रोल प्ले करते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस ई है, इसके अलावा एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो कि सर्वाइकल कैंसर में रोल प्ले करता है। तो इसकी टाइमली अगर डिटेक्ट कर लेते हैं स्क्रीनिंग के द्वारा तो इसमें अपन इनको पहले से ही रोक सकते हैं। ओके, इस तरह की चीज़ें हैं। तो जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर में क्लिनिकल एग्जामिनेशन और मेमोग्राफी और कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसके द्वारा स्क्रीन करके अपन पहले से डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे किसी पेशेंट को लंब हो रहा है, ब्रेस्ट में लंब हो रहा है, या फिर उसमें डिप हो रहा है, या फिर उसका साइज शेप में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो ये ऐसे में क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराना चाहिए ऐसे लोगों को, ताकि उसको टाइम पर डिटेक्ट करके उसकी स्क्रीनिंग की जाए और आगे अगर होता है अगर मेलेसी तो उसको टाइमली ट्रीट किया जाए। क्योंकि मैक्सिमम कैंसर जो होते हैं, मैक्सिमम अधिकतर जो कैंसर होते हैं उनमें से 30% कैंसर ऐसे भी होते हैं जिनको शुरू में ही अपन रोक के सही कर सकते हैं, और 30% कुछ ऐसे होते हैं जिनका कि बाद में ट्रीटमेंट से सही कर सकते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको लास्ट में अपन कर ही नहीं पाते क्योंकि वो स्टेज में पहुँच जाते हैं कि अपन कुछ नहीं कर सकते। तो इसके अलावा जैसे कि स्तन कैंसर में मैं बता रहा हूँ, जैसे क्लिनिकल एग्जामिनेशन और मेमोग्राफी के द्वारा स्क्रीनिंग करके अपन कर सकते हैं। इसी तरह से सर्वाइकल कैंसर में 21 साल के बाद की एज की फीमेल का सर्वाइकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। और इस तरह उनमें एचपीवी एक वायरस होता है जो कॉमनली इन्वॉल्व होता है, उसको बोलते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। उसका अगर एचपीवी उसका डीएनए चेक करके अपन स्क्रीनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें पेप्समियर होती है, पेप्समियर और ये एचपीवी डीएनए दोनों को कंबाइन करके इस तरह की स्क्रीनिंग करें तो ये टाइमली डिटेक्ट करके सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं। इसके अलावा थर्ड कैंसर होता है मुंह का कैंसर, और इसके अलावा फोर्थ होता है लंग कैंसर। इस पर भी अपने स्क्रीनिंग कर सकते हैं, जैसे कि जैसे लंग कैंसर के लिए कर सकते हैं लो डोज सीटी और एक्सरे की हेल्प ले सकते हैं। और माउथ कैंसर कैंसर में लंबे टाइम अगर अल्सर बना रहता है मुंह में तो ऐसे में ये इंडिकेट करता है कि मे भी ये हो सकता है कि वो मुँह का कैंसर हो, तो ऐसे में क्लिनिशियन से चेक कराना चाहिए। और ये
ये जो अपन प्रोग्राम कर रहे हैं इसका मकसद एक ही है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो और डॉक्टर को दिखाएं इस चीज़ के लिए किसी तरह की इस तरह की कंप्लेंट है। कंप्लेंट कई तरह की होती है, इसमें कैंसर कैंसर से पहले जो बहुत सारे टाइप के सिम्टम होते हैं, जैसे किसी को जैसे लाल लाल चकते बना शरीर पे, ठीक है, किसी में हड्डियों में दर्द होना, लगातार दर्द बनेगा इलाज लेने के बावजूद, मुँह जैसे कि खांसी में अक्सर खून होना बार बार ट्रीटमेंट के बावजूद, वेटलेस होना, फटीग होना, ठीक है, और इसके अलावा जैसे कि फीमेल में अपन बात करें तो ब्रेस्ट की जैसे साइज शेप चेंज होना, लंप गांठ जैसा बनना, ठीक है, वेजाइनल अननेसी डिस्चार्ज होना, अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग बार बार होना, और इस तरह के बहुत सारे सिम्टम होते हैं जिनसे अपन सोच सकते हैं कि शायद वो कैंसर हो सकते हैं। तो इसे मैं क्लिनिशियन को दिखा के क्लिनिकल एग्जामिनेशन और कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट के द्वारा अपन उनसे टाइमली डिटेक्ट करके बच सकते हैं। धन्यवाद।